हेलो फ्रेंड्स वेरी वॉम वेलकम टू एल अकेडमी आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम सो टूडे वी विल कंटिन्यू विद आर करंट अफेयर्स लेक्चर्स आई होप दैट यू हैव गॉन थ्रू ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स सो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम सो आप उसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के अम्ब्रेला के अंदर इस टॉपिक को आप रख सकते हो क्या है ये टॉपिक दिस इज ऑलरेडी अनाउंस्ड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट इन द स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम रेड फोर्ट और पीएम ने उस टाइम पे गति शक्ति स्कीम लॉन्च करने का ऐलान किया था उसको फाइनली फंड अलॉट हो गया है सी विद इन वन और टू मंथ्स द गवर्नमेंट हैज़ अलॉटेड हंड्रेड लैक करोड़ रुपीज़ फॉर द गति शक्ति स्कीम सो so, बेसिकली क्या है ये स्कीम सो so, कोरोना की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर uh, या मैन्युफैक्चरिंग में जो जॉब लॉस हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ है एक्सपोर्ट uh, जो कम हुआ है उसको बढ़ाने के लिए टू क्रिएट जॉब टू क्रिएट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट मोर मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और स्पेसिफिकली फोकस किस पर रहेगा एम एस एम ई सेक्टर के ऊपर जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल की जो कंपनीज थी जो फैक्ट्रीज़ थी जो कि कोविड के चलते क्लोज हुई है उनको रिवाइव करने के लिए गतिशक्ति प्लान लॉन्च किया गया है सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द एम्बिशियस गतिशक्ति स्कीम और नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्लान विद एम ऑफ कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू बींग डाउन लॉजिस्टिक कोस्ट ओके सो बेसिकली मल्टी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक Uh, जो प्रोजेक्ट्स है उनको बूस्ट मिलेगा यहाँ पे बेसिक एम क्या रहेगा सो टू एंश्योर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द नेक्स्ट फोर ईयर्स विद फोकस ऑफ एक्सपीडिटिंग वर्क ऑन द ग्राउंड सेविंग कॉस्ट्स एंड क्रिएटिंग जॉब्स ओके सो जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देना है एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट देना है और बाई बूस्टिंग दीज सेक्टर्स अल्टीमेटली जो जॉब क्रिएशन होगा उससे लोगों का फायदा होगा द गतिशक्ति सब्स्यूम दन वन लैक करोर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप लाइन देट वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड एंड नाइनटीन तो ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंडर में उसको सब्सि उसी के सब्सिडियरी प्रोजेक्ट के तौर पर इसको स्टार्ट किया गया है बिसाइड्स कटिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट द स्कीम इज ऑल्सो aimed at increasing cargo handling capacity and reducing the turnaround time at port to boost trade तो so, जो waiting period है port पे उसको कम करने के लिए भी ये project हमें मदद करेगा it also aims to have eleven industrial corridors and two new defense corridor दो जो नए defence corridors हैं वो कहाँ पे खुला है एक तमिलनाडु में खुला है एक उत्तर प्रदेश में already uh, working um uh, the work is in progress okay so it also aims to have 11 industrial corridors and two new defense corridors which will ultimately help to boost the manufacturing one in tamil nadu and the other one in uttar pradesh extending 4g connectivity to all villages is another aim adding 17000 kilometers to the gas pipeline network is being प्लान ताकि लोगों के घर पे आ, जो गैस पाइपलाइन है उसके थ्रू पेट्रोलियम गैस पहुंचाया जा सके इट विल हेल्प इन फुलफिलिंग द एम्बिश टारगेट्स सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर 2024-25 इंक्लूडिंग एक्सपांडिंग द लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे नेटवर्क टू टू लैक किलोमीटर्स क्रिएटिंग ऑफ मोर देन टू न्यू एयरपोर्ट्स हेलीपोर्ट्स एंड वाटर एरोड्रोम्स तो मल्टी लेवल पे ऑन ईच एंड एवरी लेवल द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बूस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट द रियल एस्टेट सेक्टर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे रोजगारी मिले इंटीग्रेटेड अप्रोच है मतलब ऑल द मिनिस्ट्रीज विल वर्क टुगेदर ऐसा नहीं कि वो किसी एक मिनिस्ट्री का पर्टिकुलर काम होगा क्योंकि आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखोगे सो मल्टीपल एस्पेक्ट्स आर इंटीग्रेटेड वो किसी ना किसी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इट इंटेंड्स टू ब्रिंग टूगेदर 16 इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हाईवे मिनिस्ट्री हो गई ट्राइबल मिनिस्ट्री हो गई फॉरेस्ट मिनिस्ट्री हो गई एग्रीकल्चर लैंड की मिनिस्ट्री हो गई तो ये सारी मिनिस्ट्रीज़ को साथ में आकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए काम करना पड़ेगा दिस विल हेल्प इन रिमूविंग लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ सच एज डिसजॉइंट डिसजॉइंटेड प्लानिंग लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉब्लम्स विथ क्लियरेंसिस एंड टाइमली क्रिएशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटीज दस दस पंद्रह पंद्रह सालों तक क्या होता था कि जो प्रोजेक्ट थे वो खड़े रहते थे ऐसे स्टार्ट कर दिया उसका क्या हुआ प्रोजेक्ट जो फंड उसको अलोकेट हुआ था वो फंड कहाँ चला गया प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ कब बंद हुआ देर इज नो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जस्ट पॉलिटिकल टूल की तरह आ, इन पैसों का इस्तेमाल करती थी जो अब क्या हो गया है गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मिनिमाइज दैट काइंड ऑफ रिस्क ओके सो दिस विल हेल्प इन रिमूविंग लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज सच एज डिसजॉइंटेड प्लानिंग लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉब्लम्स विथ क्लियरेंसेज एंड टाइमली क्रिएशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटीज देखिए अब नीति आयोग एक मॉनिटरिंग एजेंसी की तरह हर प्रोजेक्ट के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर खुद जो आ, एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उनको एवरी मंथ हर फोर्थ वेनजे को उनके लिए आ, मीटिंग लेते हैं हाई लेवल मीटिंग होती है खुद प्राइम मिनिस्टर जिसको चेयर करते हैं विच इज़ नोन एज प्रगति मीटिंग सो मल्टीपल मॉनिटरिंग एजेंसीज को बनाया गया है कि आपको जहाँ पे भी इशू आ रहा है यू रेज दैट इशू गवर्नमेंट विल सॉल्व दैट इशू फॉर यू ताकि प्रोजेक्ट का काम ना रुके और अल्टीमेटली ऐसा ना हो कि दस साल प्रोजेक्ट डिले हो गया और कॉस्ट जो वो था वो डबल से ज़्यादा हो गया क्यों क्योंकि अल्टीमेटली इट्स टैक्स पेयर्स मनी गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है सो इट इनवॉल क्रिएशन ऑफ अ कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म थ्रू विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैन बी प्लान एंड इम्प्लीमेंटेड इन एन एफिकेशियस मैनर बाई वे ऑफ कोडिनेशन बिटवीन वरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑन अ रियल टाइम बेसिस अंडरस्टूड चलिए एक्सपेक्टेडकम क्या है सो द स्कीम्प मैपिंग द एगजिस्टिंग एंड प्रपोज्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स तो ये जो सारे अलग अलग जगहों पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको कनेक्ट करने में यहाँ पे बहुत बड़ी मदद मिलेगी ऑल्सो देर विल बी इमेंस क्लैरिटी ऑन हाउ डिफरेंट जियंस एंड इंडस्ट्रियल हब्स इन द कंट्री आर लिंक्ड पर्टिकुलरली फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो फारदरेस्ट जो गाँव है उसको किस तरह से कनेक्ट किया जाए बड़े सिटीज के साथ मेन हाईवे के साथ हाउ द कनेक्टिविटी शुड बी इंक्रीज उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा अ होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी विल ग्रेटली सपोर्ट मेक इन इंडिया एंड इंटीग्रेट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इट विल हेल्प इंडिया बिकम द बिजनेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नीड फॉर इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देर एग्जिस्ट अ वाइड गैप बिट्वीन मैक्रो प्लानिंग एंड माइक्रो इंप्लीमेंटेशन ड्यू टू दैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एडवांसड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एज डिपार्टमेंट्स थिंक एंड वर्क इन साइलोस तो गवर्नमेंट में कैसे काम होता है वी ऑलरेडी नो कि एक डिपार्टमेंट को लगता है कि हाँ चलो उन्होंने कर लिया होगा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों देखें उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों देखें अब इन चीज़ों को अवॉइड करके गवर्नमेंट ने एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बना दिया है देट नाव यू हैव टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू ओन अप योर टास्क यू नीड टू फिनिश इट जो वीकेस्ट लिंक होगा उसको बाहर कर दिया जाएगा और इस तरीके से आप आपका वो जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड होगा द गवर्नमेंट सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो शुड बी बिल्ड ऑल्सो शुड बी स्ट्रांग अकॉर्डिंग टू अ स्टडी द लॉजिस्टिकल कॉस्ट इन इंडिया इज अबाउट थर्टीन परसेंट ऑफ जी डी पी विच इज़ हायर देन दी डेवलप्ड कंट्रीज तो हमारे जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो क्यों है क्योंकि हमारा जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना पुअर है कि हमारा ज़्यादा खर्च उसी में से हो जाता है विच इज़ एज हाई एज थर्टीन परसेंट ऑफ द जी डी पी डेवलप्ड नेशन में अगर आप देखोगे तो डेवलप्ड नेशन में कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि उनका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम है तो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना इज़ वेरी नेसेसरी ड्यू टू दिस हाई लॉजिस्टिकल कॉस्ट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट इज ग्रेटली रिड्यूज और हम यही गवर्नमेंट यही फोकस कर रही है कि किस तरह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके जैसे कि चाइना राइट इट इज़ ग्लोबली एक्सेप्टेड दैट द क्रिएशन ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ प्रूव एन वे विच गिव्स राइस टू मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट ऑन अ लार्ज स्केल द स्कीम इज इन सिनर्जी विद द नेशनल मॉनिटाइजेशन प्लान द एनएम पी हेज बी अनाउंसड टू प्रोवाइड अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटाइजेशन एंड गीव पोटेंशियल इन्वेस्टर्स अ रेडी लिस्ट ऑफ अ सेट टू जनरेट इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट टू गवर्नमेंट अपने कंधों से बहुत सारी जिम्मेदारियां जो अननेसेसरीली गवर्नमेंट जहां पे अटकी पड़ी थी गवर्नमेंट इज़ नाउ ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दोज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर हम uh, हमारा काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना वी शुड डू देट वी शुड नॉट गेट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री या डीपर एडमिनिस्ट्रेशन माइक्रो मैनेजमेंट गवर्नमेंट नहीं करना चाहती गवर्नमेंट इज इन्वाइटिंग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कि आप आओ यू आप खरीद लो हमसे वो इंडस्ट्रीज uh, या वो फील्ड यू रन इट हमें बेटर रिजल्ट मिलना चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा बेहतर होना चाहिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट बॉडीज सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड देट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज बेसिकली फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेकेंड इज स्टेच्युटरी बॉडी एंड थर्ड वन इज एग्जीक्यूटिव बॉडी नाउ पॉज दिस वीडियो एंड थिंक दैट डू यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वॉट इज स्टेच्यूटरी बॉडी एंड वॉट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू पॉलिटी एज वेल क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो वी हैव टू रिमेंबर कि हम इंडिपेंडेंट कब हुए थे वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस एट फिफ्टीन ऑफ ऑगस्ट नाइनटीन उसके बाद हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारा एक्सक्लूसिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने वो बनाना स्टार्ट किया हाउ मच टाइम डिड अवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टेक टू कंप्लीट अवर फाइनल ड्राफ्ट तो उनको लगा दो साल ग्यारह महीने अठारह दिन का टाइम लगा टू फाइनलाइज द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने फाइनल ड्राफ्ट को पास कर दिया विच बिकेम अवर कॉन्स्टिट्यूशन और इस कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 के दिन विच वी सेबरेट एज़ रिपब्लिक डे उस दिन इंडिया के लोगों को समर्पित किया गया अवर कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम एनफोर्सेबल ऑन 26 सिक्स जनवरी नाइनटीन और उस दिन इंडिया ने ये डिसाइड किया ओके फ्रॉम नाव ऑन वी विल फॉलो दिस 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 रूल ऑफ सेट्स ऑफ रूल्स एंड इफ दैट रूल्स आर ब्रोकन पनिशमेंट विल बी गिवन अकॉर्डिंगली रूल्स रिटर्न इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो उस दिन ऑन द डेट ऑफ ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन फिफ्टी जिन एजेंसीज़ के बारे में लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में उसको आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने वालों को पहले से पता था कि हाँ चलो यार देश चलाने के लिए हमें इत, इतनी एजेंसीज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी फॉर एन एग्जांपल इलेक्शन कमीशन क्योंकि वी हैव चोजन डेमोक्रेसी इलेक्शन करवा नहीं थे तो इलेक्शन के लिए एक अलग से एजेंसी बना दी गई नाउ कम टू स्टैचूटरी बॉडी जैसे जैसे हम देश चलाते गए वैसे वैसे हमारे लीडर्स को ये पता चलता गया हमारी पार्लियामेंट को यह पता चलता गया ओके दिस इज द अननोन इशू जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देर इज नो रेफरेंस देर इज नो एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट इज रिटर्न सो वी नीड टू एड्रेस दिस बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन अब कोई भी एजेंसी ऐसे ही तो नहीं बन सकती वाई बिकॉज यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी तो आपको पार्लियामेंट में लॉ बनाकर उसके अंडर कोई एजेंसी बनानी पड़ेगी वाई बिकॉज यू आर गिविंग अ जॉब टू समबडी सेट ऑफ पीपल देन यू आर असाइनिंग ऑथोरिटीज टू देम तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा आपका पार्लियामेंट डिसाइड करेगा तो जो एजेंसीज इस तरह से लॉ के थ्रू बनाई गई है या किसी पर्टिकुलर लॉ के अंडर बनाई गई है टू तो एड्रेस दिस स्पेसिफिक इश्यू उसको आप कहोगे स्टेट्यूटरी बॉडी जैसे कि हो गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तो देखिए उन्नीस सौ तानवे में 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मैंने उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है बट नाउ देट वी केम टू नो ओके ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स जैसे भी कोई चीज़ है हम हमें उसके लिए अलग से बॉडी चाहिए मॉनिटरिंग बॉडी चाहिए जो कि गवर्नमेंट को ह्यूमन राइट्स के इशू के ऊपर एडवाइस कर सके तो वैसी आप बॉडी को कहोगे स्टेच्यूटरी बॉडी जो किसी पर्टिकुलर लॉ के अंडर बनाई गई हो नाउ कम्स द एग्जीक्यूटिव बॉडी तो गवर्नमेंट या कैबिनेट अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए जो एजेंसी बनाएगी उसको आप कहोगे अपने स्पेशल पावर को यूज़ करके ओके प्राइम मिनिस्टर अपने स्पेशल पावर को यूज करके अगर कोई एजेंसी बना दे तो दैट इज़ नोन एज एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे कि नीति आयोग ओके प्लानिंग कमीशन जो था प्लानिंग कमीशन वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने विच इज़ दी एग्जीक्यूटिव बॉडी सो आई होप नाउ द डिफरेंस इज क्लियर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाउ लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सो रिसेंटली द ट्वेंटी

कन्वेनस एंड एनफोर्सेबल बाई कोर्ट्स इन इंडिया तो इंडिया ने मल्टीपल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ह्यूमन राइट्स को लेकर काफ़ी सारी ट्रीटीज़ साइन की है काफ़ी सारे सेट ऑफ रूल्स को एक्सेप्ट किया है तो अब इंडिया का ये जिम्मेदारी है इंडिया इज़ बाउंड टू फॉलो दोज कॉन्वेनेंस और जो भी लॉज है या जो भी ट्रीटीज़ है इंडिया को उसको फॉलो करना होगा तो इंडिया अपने कंट्री में विद इन इंडिया वो कैसे इंश्योर करेगा बाई ह्यूमन राइट्स कमीशन सो इट्स अ सेट ऑफ पीपल सात लोगों को वहाँ पर बिठाया गया है विच विल मॉनिटर द गवर्नमेंट एक्टिविटी या कहीं पर भी अगर लाइफ को लेकर लिबर्टी को लेकर या इक्वालिटी और डिग्निटी को लेकर किसी भी इंडिविजुअल के जो इवन इफ इट इज़ इंडियन सिटीजन नॉन इंडियन सिटीजन डजेंट मैटर इवन इफ इट इफ़ इट इज़ एन इंडियन लैंड देन उसको ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए डिग्निफाइड लाइफ ऑफ वे उसको मिलना चाहिए जो मॉनिटर करने का काम कौन करेगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टाब्लिश कब हुआ था सो एस्टाबलिश ऑन टवेल्थ ऑफ अक्टोबर 1993 अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 सो दैट दैट्स व्हाई इट बिकेम स्टैचूटरी बॉडी इट वॉज अमेंडेड बाई दी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट टू एंड ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी इट वॉज़ एस्टेब्लिश्ड इन कॉन्फॉर्मिटी विद द पैरिस प्रिंसिपल्स अडोप्टिड फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पैरिस जो कि साइन किया था इंडिया ने अक्टूबर नाइनटीन नाइनटी वन में एंड एंडोर्सड बाई द जनरल असेंबली ऑफ़ द यूनाइटेड नेशन इन डिसम्बर नाइनटीन नाइनटी थ्री तो यू एन में और पैरिस अग्रीमेंट में हमने ये साइन किया है पैरिस प्रिंसिपल्स में दैट ओके वी आर पाउंड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स इन अवर पर्टिकुलर कंट्री और हम इसके सामने आवाज़ उठाएंगे राइट right? सो so, उसके लिए uh, अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे उसको मॉनिटर करने के लिए वी हैव एस्टेब्लिश्ड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मेंबर्स क्या है सो इट्स अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन एंड फोर मेंबर्स सो इट्स नॉट अ सेवन मेंबर बॉडी इट्स अ फाइव मेंबर बॉडी अर्लियर मिस्टेक को जरा करेक्ट कर लीजिएगा इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन एंड फोर मेंबर्स अ पर्सन हु हैज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ अ चेयरमैन तो देखिए उसके चेयरमैन कौन होंगे या तो सीजीआई होंगे या तो सीजीआई ने अपॉइंट किया हुआ कोई जज ऑफ़ द सुप्रीम कोर्ट विल बी द चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी अपॉइंटमेंट कौन करेगा सो द चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिक्स मेंबर कमेटी अब ये सिक्स मेंबर कमेटी में कौन कौन लोग आ, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे सो दिस सिक्स मेंबर कमेटी कंजिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड स्पीकर ऑफ द लोकसभा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लीडर्स ऑफ द अपोजिशन इन बोध हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द यूनियन होम मिनिस्टर तो ये छः लोग रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि आपको एन में किसको बिठाना है वाई बिकॉज एन में जो बंदा बैठेगा वो एक प्रोमिनंट पर्सनालिटी होना चाहिए राइट उसकी एक लाइफ जो है वो ह्यूमन राइट्स के प्रो में होनी चाहिए राइट कि वो ह्यूमन राइट्स का प्रखर सपोर्टर uh, होना चाहिए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होना चाहिए तभी जाके वो ह्यूमन uh, राइट्स को देश में मॉनिटर कर पाएगा और रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को एडवाइस कर पाएगा टेन्योर कितना रहेगा मेंबर्स का सो द चेयरमैन एंड मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ थ्री ईयर्स और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ सेवेंटी ईयर्स विच एवर इज अर्लियर तो देखिए तीन साल या सत्तर साल इन दोनों में से जो पहला होगा वहाँ तक उनका टेन्योर रहेगा द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और एनी मेम्बर फ्रॉम द ऑफिस अंडर सम सरकमस्टान्स जो बिहेवियरल सरकमस्टांसिस है उनके अंडर प्रेसिडेंट उनको अपनी पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं एनएचआरसी का रोल क्या रहेगा और फंक्शन क्या रहेगा सो इट हैज ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट एंड इट्स प्रोसीडिंग्स हैव अ ज्यूडिशियल कैरेक्टर देखिए तो किसी भी कोई भी देश की सिविल कोर्ट उठा लो सिविल कोर्ट को जितने कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स दिए गए हैं वो सारे पावर्स 1993 के एक्ट के तहत एन एच को भी दिए गए हैं एंड इट्स प्रोसीडिंग्स हैवे अ जुडिशियल कैरेक्टर इवन सुप्रीम कोर्ट कैन आस्क एनएचआरसी टू प्रोवाइड देयर इनपुट राइट अगर कोई केस ऐसा है जहां पे ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को इनपुट चाहिए तो एन का रिकमेंडेशन इज हाईली वैलिडेशन uh, में लिया जाएगा कंसिडरेशन में लिया जाएगा इट इज़ एम्पावर्ड टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ एनी ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट फॉर द दर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग कम्पलेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसोर्स को ऑफिसर्स के uh, जो जुरिडिक्शन है उसको वो यूज़ कर सकते हैं इट कैन लुक इन टू अ मैटर विद इन वन ईयर ऑफ इट्स अकरेंस आई ई द कमीशन इज नॉट एम्पावर्ड टू इंक्वायर इन टू एनी मैटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज एलिजिबल टू हैव बीन कमिटेड तो एक साल के अंदर अंदर उस इश्यू को अड्रेस करना जरूरी होगा जब से वो एन एच आर सी के पास रजिस्टर हुआ है एक साल के बाद दे कैन नॉट इंटरफियर इन एनी केस द फंक्शन ऑफ द कमीशन आर मेनली रिकमेंडेटरी इन द नेचर वो लीगली uh, बाउंड नहीं है गवर्नमेंट uh, के लिए एन जब कोई लॉ बन रहा है एन उस लॉ को रिव्यू करके अपना रिकमेंडेशन दे सकता है गवर्नमेंट को उसको मानना इज नॉट नेसेसरी इट हैज़ नो पावर टू पनिश द वायोलेटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स नॉर टू अवॉर्ड एनी रिलीफ इंक्लूडिंग मोनिटरी रिलीफ टू दी विक्टीम तो वो कोई फैसला नहीं सुना सकता राइट right? वो किसी को भी वो फैसला सुना सकता है बट वो किसी को सज़ा नहीं कर सकता ओके सो इट है इट कैन नॉट पनिश और इट कैन नॉट रिवॉर्ड दिक्टम इट हैज़ लिमिटेड रोल पावर्स एंड जुरीडिक्शन विध रिस्पेक्ट टू दायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाई द मेम्बर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज तो आर्म्ड फोर्सेज में अगर मान लो कोई वायोलेशन हुआ है तो उसको लेकर बड़े लिमिटेड पावर्स एन एच आर सी के पास है वाई बिकॉज आर्मी एयरफोर्स और आर्म्ड फोर्सेज के लिए हमारे पास अलग से एजेंसीज बनाई गई हैं इट इज़ नॉट एम्पावर्ड टू एक्ट वेन ह्यूमन राइट्स वायोलेशन थ्रू प्राइवेट पार्टीज take place. Okay, so private parties के through अगर कोई human right violation होता है, तो N H R उसमें अपना comment दे सकता है, but उसके ऊपर अपना फैसला नहीं सुना सकता. So I hope that you have understood the entire framework and functioning of nhrc Why we are discussing it? kyunki abhi recently uska anniversary gaya hai establishment anniversary, and it is very important uh, from exam point of view. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू इंडिया इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी और जो इंटरनेशनल रिलेशन है हमारे उसके साथ जुड़ा हुआ है सो रिसेंटली सी आई सी ए की सिक्स फॉरन समिस्ट फॉरन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है ना वॉट इज़ सी आई सी ए सो कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ओके सो रिसेंटली दी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अड्रेस हु इज़ अवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर राइट सो रिसेंटली मिस्टर एस जयशंकर द सिक्स्थ मिनिस्टेरियल मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डर्स मेजर्स इन नूर सुल्तान कजाखस्तान नूर सुल्तान इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ कजाकिस्तान जिसका नाम पहले था अस्ताना राइट right, जब इंडिया ने एस सी ओ ज्वाइन किया था इसी शहर में इंडिया ने एस सी ओ को ज्वाइन किया था इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर इन ट्वेंटी सेवनटीन और तब उसका नाम था अस्ताना ट्वेंटी नाइनटीन में उसको बदलकर नूर सुल्तान किया गया है लास्ट ईयर कजाकस्तान अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ सी आई सी ए दिफ्थ मीटिंग ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ फॉरन अफेयर्स ऑफ द सी आई सी ए वॉज हेल्ड इन बीजिंग इन द ईयर ट्वेंटी सिक्सटीन तो री इस बार जो होस्ट कर रहा है जो चेयरमैन है तो चेयरमैन होने के नाते उस uh, नाते उसको होस्ट कौन कर रहा है कजाकस्तान क्या है सी आई सी और क्या क्या बातें हुई वहाँ पे सो बेसिकली देखिए ये कंट्रीज़ ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए इसको बनाया गया है ताकि आपस में जो रिश्ते हैं वो थोड़े बहुत सुधर जाए थोड़े बहुत स्मूद हो जाए और हर कंट्री को उसका फ़ायदा मिले सो ऑन वैक्सीन मैत्री सो इंडियाज़ इंटरनेशनलिज्म दैट वसुधैव कुटुम्बकम ड्राइव्स इट्स वैक्सीन मैत्री इन जनवरी 2021 इंडिया लॉन्च द वैक्सीन मेथ्री इनिशिएटिव अजर डिप्लोमेटिक एफर्ट टू गिफ्ट एंड सप्लाई मेड इन इंडिया वैक्सीन टू लो इनकम एंड डेवलपिंग कंट्रीज ग्लोबली तो वहाँ पे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने बात की कि हाउ इंडिया हैज़ ड्रिवन वैक्सीन वर्ल्ड और कैसे इंडिया अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज है उनको मदद कर रहा है और उनको लो कोस्ट पर वैक्सीन अवेलेबल करवा रहा है ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे बात हुई देखिए हमने कुछ ही दिनों पहले देखा कि चाइना ने एक नया बॉर्डर लॉ पास किया है तो ये उसके पहले की बात है बट चाइना का अग्रेशन पिछले दो तीन सालों में इंडिया की तरफ काफी बड़ा है तो उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया गया एडवाइज टू स्ट्रेंथन कलेक्टिव रिजोल्व टू टैकल टेररिज्म आर्म्स ट्राफिकिंग नार्कोटिक्स ट्रेड एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसनेशनल क्राइम्स दो जो ट्रांसनेशनल क्राइम है उनको यहाँ पे एड्रेस करने की बात की गई मल्टीलेटरलिज्म पे क्या बात की सो एशिया स्पेशली बट ऑल्सो अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका आर इन एडिकुएटली रिप्रेजेंटेड इन यूनाइटेड नेशंस डिसीजन मेकिंग द लिमिटेशंस ऑफ द मल्टीलेटरल रिस्पॉन्स टू द कोविड पेंडेमिक वर्स स्टार्कली एविडेंट दिस ओनली मेक्स अ केस फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म मोर अर्जेंट विथ ईच पासिंग है तो जो फ्रेंडली नेशन है जिनका गोल एक है जो साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको यू एन जैसे या यू एन एस से जैसे जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा ताकि सब एक साथ में आगे बढ़ पाए अफगानिस्तान के ऊपर क्या डिस्कशन हुआ सो इंडिया अंडर स्कोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द तालिबान रजीम मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज़ इलेबोरेटेड इन द यू एन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन टू फाइव नाइन थ्री तो आप देख रहे होगी कि इनिशियल में तालिबान ने बहुत फ्रेंडली नेचर के साथ कम बैक करने का दावा किया बट धीरे धीरे अफगानिस्तान से जो खबरें आ रही है उसमें हमें यह पता चल रहा है कि जो बरसों पुराने जो रेस्ट्रिक्शंस थे स्पेशली ऑन चाइल्ड एंड वुमेन वो वापस वहाँ पे लगाए जा रहे हैं द यू एन एस सी रिजोल्यूशन टू फाइव नाइन थ्री अन एकवोकली डिमांड्स दैट अफगान टेरिटरी नॉट टू बी यूज फॉर शेल्टरिंग ट्रेनिंग प्लानिंग और फिनांसिंग टेररिस्ट एक्ट्स एंड स्पेशली रिफर्स टू टेररिस्ट इंडिविजुअल प्रोस्क्राइब बाई द यू एन एस सी दैट इज़ इंक्लूडिंग लश्कर ए तयबा एंड जैश ए मोहम्मद तो इंडिया एक काफ़ी स्ट्रांग मैसेज ऑलरेडी अफ़गानिस्तान को दे चुका है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल कोई और कंट्री अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए नहीं करना चाहिए अगर ऐसा होता है तो उसका खामियाजा उसका जो कॉन्सिक्वेंसिस uh, है दैट अफगानिस्तान नीड्स टू बेर कनेक्टिविटी के ऊपर क्या बातचीत हुई सो कनेक्टिविटी मस्ट बी रिस्ट स्पेक्ट द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस रिस्पेक्ट दिस सॉवरिनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी अब यहाँ पर हमारा जो पॉइंट था वो किसकी तरफ था चाइना की तरफ था चाइना सी पी ई सी बिल्ड कर रहा है बी आर आई बिल्ड कर रहा है वन बिल्ड वन रोड बिल्ड कर रहा है श्रीलंका में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है म्यांमार बांग्लादेश भू नेपाल हर जगह पर चाइना इज़ ट्राइंग टू घेराउिंग द इंडिया ठीक है वो इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है और इससे इंडिया के आने वाले सालों में फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और डिफेंस के ऊपर इंडिया को काफ़ी खर्च करना पड़ेगा विच इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया अल्टीमेटली क्यों एज एंडी एज एन डेवलपिंग नेशन वी शुड ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा खर्च है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे या डेवलपमेंट पे करें अगर चाइना इस तरीके से हर तरह से अगर हमें घेरेगा तो हमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिफेंस में लगाना पड़ेगा जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांस में हम डेवलपमेंट में डाल सकते थे सो so, कनेक्टिविटी की बात यहाँ पर की गई एंड अपेरेंट रेफरेंस टू इंडियाज ऑब्जेक्शन टू चाइनाज एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान इन पाकिस्तान अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पी ईसी मल्टीपल टाइम्स इन पास्ट लेक्चर्स वी हैव डिसकस्ड अबाउट दिस सी पी ईसी विच कनेक्ट ग्वादर पोर्ट इन बलोचिस्तान विद चाइनाज शिनजियांग प्रोविंस इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग्स एम्बिशिय बिल्ट एंड रोड इन इंडिया

सी आई सी ए क्या है सो सी आई सी ए इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग रीजनल कॉपरेशन एंड एंश्योरिंग पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन एशिया द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग दी ऑर्गेनाइजेशन वॉज फर्स्ट वॉइसड बाई कजाखस्तान फर्स्ट प्रेसिडेंट नूर सुल्तान नजरबाइव इन नाइनटीन नाइनटी टू

The CICA summit is convened every four years in order to conduct consultations, review the progress and set priorities for CICA activities. तो हर चार साल में एक बार मिलेगी Same as BIMSTEC. BIMSTEC के जो देश है वो भी हर चार साल में एक बार मिलते हैं The meeting of the ministers of foreign affairs is required to be held every टू years. Foreign ministers की जो summit है वो हर दो साल में एक बार मिलना जरूरी है

इंडिया को चेयर्स टू सी आई सी ए मीटिंग स्टिल नाउ ओके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी तो देखिये एनर्जी सिक्योरिटी में एनी वे इंडिया इज लीडिंग द एंटायर वर्ल्ड राइट सो यहाँ पर हमारा जो पलड़ा है वो थोड़ा भार है रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी इंडिया को अपना पर्टिकुलर फुल टाइम मेंबर बनने के लिए इनवाइट किया था इंडिया हैज़ नॉट एक्सेप्टेड द इनवाइट येट बट सून इट इज़ लाइकली दैट इंडियाप्ट इन्विटेशन दी आई सी ए सेक्रेटरीट है आला माटी कजाकस्तान सिंस जू जून टू थाउजेंड एंड सिक्स तो देखिए बेसिकली आइडिया ही कजाकस्तान का था तो उसका जो हेड क्वार्टर है वो भी अलामाटी माटी कजाकस्तान आला नाम का शहर है वहाँ पर रखा गया है और क्या है देखिए मेंबर स्टेट्स कौन से कौन से हैं तो अफ़ग़ानिस्तान अजरबैजान, बहरीन बांग्लादेश कम्बोडिया चाइना यूएई, यूज़बेकिस्तान, जॉर्डन इसराइल इराक ईरान इंडिया इजिप्ट, कजाकस्तान किर्गिस्तान मंगोलिया पाकिस्तान पैलेस्टाइन कटार वियतनाम टर्की थाईलैंड ताजिकिस्तान, श्रीलंका रशियन फेडरेशन एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया तो ये सारे जो है इसके मेंबर है, uh, for स्टेट्स हैं। इट्स अ मल्टी फोरम फॉर एनहांसिंग कॉपरेशन टवर्ड्स प्रमोटिंग पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन एशिया एशिया के दौरान मल्टीपल कंट्रीज जिनके बीच में काफ़ी झगड़ा चल रहा है ठीक है इंडिया चाइना देख लीजिए इंडिया पाकिस्तान देख लीजिए इसराइल पैलेस्टाइन देख लीजिए ईरान इराक देख लीजिए ईरान पाकिस्तान देख लीजिए अफगानिस्तान पाकिस्तान हो गया अजरबैजान आर्मेनिया हो गया सो आर एक्स नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स जहाँ जिन कंट्रीज़ के बीच में देर इज़ इंस्टेबिलिटी तो ऐसे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए ये समिट की जाती है और जो लेटेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट थी वो कहाँ पर हुई थी वो हुई थी जून 14 15 में 2019 में दुशानबे ताजिकिस्तान और जो सी आई सी ए समिट हुई थी फोर्थ सी आई सी ए समिट जो हुई थी वही थी शंघाई चाइना में ट्वेंटी सिक्सटीन में ओके okay? चलिए सो दिस इज ऑल अबाउट सीआईसीए कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू इंडेक्सेस तो वी हैव इन पास्ट सीन मल्टीपल इंडेक्सेस उसमें से एक जो रिसेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है दैट इज़ ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 देखिए क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स क्यों हमारे लिए ज़रूरी है सो क्लाइमेट चेंज जो है वो एनीवे इट इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू अफेक्ट एवरी नेशन एवरी इंडिविजुअल बट वो सबसे ज़्यादा किसको असर करेगा जो लो इनकम कंट्रीज़ है जो डेवलपिंग नेशन है या जो अंडर डेवलप्ड नेशन है वाई बिकॉज दे डू नॉट हैव दी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी टू हैंडल दी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग इन पर्टिकुलर मैनर तो इसीलिए इंडिया के लिए भी ये जो इंडेक्स है वो काफ़ी यूजफुल uh, हो जाता है टू ट्रैक इट्स ओन मेजर्स कि हम ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या कर रहे हैं ग्लोबल uh, वार्मिंग क्या है तो आप देख रहे हो कि ठंडी की सीज़न में बारिश हो रही है गर्मी की सीज़न में बारिश हो रही है uh, बारिश का जो पूरा जो साइकिल है सीजन साइकल हैज़ बीन चेंज्ड ड्रास्टिकली तो वो क्यों हो रहा है टेम्परेचर आर राइजिंग आइस आर मेल्टिंग तो क्यों हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तो आने वाले सालों में क्या उसका इफ़ेक्ट रहेगा ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट की जाती है इस इंडेक्स के थ्रू तो पहली चीज हमें याद रखनी है जैसे हमने आगे डिस्कस किया है कि जब इंडेक्सेस हम पढ़ेंगे तो वो पब्लिश कौन करता है पहला उसका एडिशन कब आया था अभी जो लेटेस्ट एडिशन आप पढ़ रहे हो वो कौन सा एडिशन है पब्लिशमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है एनुअली है या हर दो साल में एक बार होता है साल में दो बार होता है वो आपको पता होना चाहिए इंडेक्स का अल्टीमेट गोल क्या है अगर इंटरनेशनल इंडेक्स है तो इंडिया का रैंक क्या है और इंडिया को वो रैंक क्यों दिया गया है इफ़ पॉसिबल पिछले एक दो साल का रैंक भी याद रख लीजिए कि हम आगे गए हैं या पीछे गए हैं दैट विल हेल्प ओके क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है अगर कोई नेशनल लेवल का इंडेक्स है तो अगर आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस स्टेट का या टॉप फाइव स्टेट या टॉप फाइव कंट्रीज या वर्स्ट फाइव स्टेट्स और वर्स्ट फाइव कंट्रीज आपको याद रखने अगर कोई पर्टिकुलर कैटेगरी फॉलो करता है कोई इंडेक्स तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी को आपको फॉलो करना है चलिए सो द इंटरनेशनल एनवायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच रिलीज द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 तो देखिए पब्लिश किसने किया है एक एनवायरमेंटल थिंक टैंक है जर्मनी बेस्ड जिसका नाम है जर्मन वॉच दिस इज द सिक्सटींथ एडिशन ऑफ द इंडेक्स एंड इट इज पब्लिश एन्युअली तो देखिए दो हजार में ये पहली बार पब्लिश हुआ था और तब से लेकर लगातार ये एनुअली पब्लिश हो रहा है एंड दिस इज द दिक्सटींथ एडिशन German watch based in Bonn and Berlin Germany is an independent development and environmental organization which works for sustainable global development Ye index what? so the index analyzes the extent to which countries and regions have been affected by the impacts of weather-related loss events like storms floods heat waves etc. तो ये जो चेंजिंग पैटर्नस है पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कैसी है क्या वॉट आर द इफ़ेक्ट्स क्या उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कितने लोगों को अफेक्ट किया ये वो और कौन से कौन से आपके लाइफ एस्पेक्ट पे असर कर सकता है ये सारी चीज़ें यहाँ पे एनालाइज की जाएगी द इम्पैक्ट इज़ कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ फैटिलिटीज़ एंड इकोनॉमिक लॉसेस बोथ तो देखिए फैटिलिटीज़ मतलब कितने लोग मरे uh, कितने लोग अफेक्ट हुए उसके बेस पे भी ये एनालिसिस किया जाएगा और इकोनॉमिक लॉसेस के ऊपर भी इसको कंसिडर किया जाएगा द मोस्ट रिसेंट डाटा अवेलेबल फॉर ट्वेंटी नाइनटीन एंड फ्रॉम टू थाउजेंड टू ट्वेंटी नाइनटीन वर टेकन इन टू अकाउंट द ट्वेंटी ट्वेंटी वन इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड डाटा फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओके सो यूएसए के डाटा को यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया है द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स क्लियरली सिग्नल्स दैट repercussions ऑफ एस्केलेटिंग क्लाइमेट चेंजेस कैन नो लॉन्गर be ignored, और एनी कॉन्टिनेंट और इन एनी रीजन तो जैसे कि मैंने पहले स्टेटमेंट में बताया कि अल्टीमेटली इवेंचुअली जो डेवलप्ड नेशन है उनको भी इसका जो रेपोकशंस है वो भुगतना पड़ेगा चाहे वो काम कर रहे हैं या चाहे वो काम नहीं कर रहे हैं बट ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी चीज़ है कि कोई अकेला कंट्री या कोई अकेला स्टेट या कोई अकेला रीजन उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता

अफेक्ट सबको करेगा बट जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशन है क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है उसके पास उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है वो साइंस में इतना आगे नहीं है तो उनको रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा हाई इनकम कंट्रीज आर ऑल्सो गेटिंग सीवियरली इम्पेक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज अबाउट ट्वेंटी ट्वेंटी वन फाइंडिंग्स सो ट्वेंटी ट्वेंटी वन फाइंडिंग्स क्या क्या है वो हमें देखना है सो so, मोजाम्बिक जिम्बाब्वे एज वेल एज द बहामाज वर दी मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ इन 2019 तो अगर कोई पर्टिकुलर ईयर की बात करें ओके okay, पूरा जो इंडेक्स है वो आपका 2000 से लेके 2019 तक टोटल 19 सालों का वो आपको एनालिसिस uh, दे रहा है कि ऑन एन एवरेज कौन सा कंट्री ज़्यादा अफेक्टेड है बट अगर हम सिर्फ 2019 की बात करें सो मोजाम्बिक जिम्बाब्वे एज वेल एज बहामा वर दी मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ और इसी में इंडिया का रैंक दिया गया है सेवेंथ जो कि इंडिया पिछले साल 2018 के रैंक में इंडिया को दिया गया था फिफ्थ रैंक तो हमने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अच्छा काम किया है वी हैव इम्प्रूवड अवर रैंकिंग इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 2000 थाउजेंड टू ट्वेंटी नाइनटीन पोर्टोरिको म्यांमार एंड हैती रैंक दी हाइएस्ट तो मतलब ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज़ है फ्रॉम द ओवरऑल पीरियड ऑफ टू थाउजेंड टू ट्वेंटी नाइन्टीन स्ट्रोम एंड देर डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस

काफ़ी सारे साइक्लोन को फेस किया है सो हो सकता है कि आने वाला जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है अगेन इंडिया आगे के पोजिशन में आ जाएगा और बैडली परफॉर्म कर सकता है एट आउट ऑफ द टेन कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाई दी क्वान्टिफाइड इम्पैक्ट्स ऑन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन ट्वेंटी नाइनटीन बिलोंग टू दी लो टू लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी हाफ ऑफ़ देम आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज तो देखिए उन वो क्योंकि वो ज़्यादा वनरेबल है उनको वो सबसे ज़्यादा असर करेगा इंडिया की पोजीशन क्या है सो इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंकिंग फ्रॉम लास्ट ईयर जब 2018 के साल को काउंट किया गया था तो हमको रखा गया था फिफ्थ पोजीशन पे 2021 में जब 2019 के डेटा को काउंट किया गया है कंसिडरेशन में अगर हम लेते हैं सो इंडिया का रैंक है सेवेंथ सो इट इज रैंक्ड इन सेवेंथ इन 2021 इंडेक्स एज कम्पेयर टू फिफ्थ इन 2020 इंडेक्स द इंडियन मॉनसून लास्टेड अ मंथ लॉन्गर देन यूजल इन द ईयर ट्वेंटी

Overall, 11.8 million people were affected by the intense monsoon season and the economic damage caused was estimated to be 10 billion US dollar. India was hit by a total of eight tropical cyclones, out of which cyclone Feni caused the maximum damage. The Himalayan glaciers, the coastlines and the deserts in India have been severely affected by global warming. So we have such a uh, vast landscape, such a diverse landscape. जिसके लिए uh, ये काफ़ी ड्रास्टिकली हम अफेक्ट हुए हैं द रिपोर्ट ऑल्सो पॉइंट्स टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हीट वेव्स इंक्रीज इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स एंड एन इंक्रीज रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इन इंडिया सो दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरी टॉपिक इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट अस टिल दैट टाइम स्टे होम स्टे सेफ स्टे हैप्पी थैंक यू